हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल बिकमिंग अल्फा। दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं लोगों से, लोग बोलते हैं कि यार खुश रहा करो, हमें खुश रहना चाहिए, वी शुड बी हैप्पी। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, हमारे जो बेटर हाफ्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार हमें खुश रहना चाहिए, लाइफ में देर इज़ मोर टू लाइफ, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे खुश रहना चाहिए। बट कोई ये नहीं बताता कि खुश कैसे रहना चाहिए। किसी को ये शायद पता है कि नहीं है, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? तो मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूँ, या मैं कोई इतना कोई फिलोसॉफिकल कोई बाबा या ज्ञानी नहीं हूँ, बट मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ से और अपने लाइफ के लेसन्स से मैंने रियलाइज़ की है कि यू एंड ओनली यू आर द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस। आपके अलावा और कोई सीक्रेट है ही नहीं, इसका और कोई सीक्रेट है ही नहीं। अगर आप खुश रहोगे खुद, तो ही सब कुछ खुश रहेंगे। काफ़ी लोग, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा असमंजस में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि भाई मेरे को पेरेंट्स का ख्याल रखना है, मुझे मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, उन्हें खुश रखना है, उन्हें खुश करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको लाइफ में लग्जरीज, उनको लाइफ में जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, ये सब प्रोवाइड करनी है। तो ये सब कैसे होगा? एंड यू नो इट इज़ सच अ बर्निंग क्वेश्चन इन आर लाइफ, इन आर माइंड, कि यार इसके चक्कर में ना कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये लोग तो खुश तब होंगे जब आप इनके साथ खुश होंगे, आप खुद खुश होंगे। तो इसीलिए मैं मतलब ये बोलता हूँ कि द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज़ ओनली यू बीइंग हैप्पी। एक पॉन्ड, एक तालाब होता है, तालाब में आप पत्थर कहीं पे भी डालेंगे, या इस साइड डाले, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडल, कहीं पे भी डालेंगे, लेकिन जो रिपल्स होती है ना, जो वेव्स जो बनती है, वो तो वो पत्थर जहाँ गिरेगा उसके मिडल से ही बनेंगी। तो वो जो मिडल पॉइंट, मध्य बिंदु जो है, वो आप ही हो यार, गाइज यू, मतलब आप खुद। जब तक आप उस लेवल पे मतलब हैप्पी नहीं होगे, या उस लेवल पे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, तब तक कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसलिए जो बोलते हैं कि हम कैसे खुश रहे, हम कैसे खुश रहे, यार आप अपने लिए काम करो, डू वॉट यू लाइक मैन। आप सोचते हो कि हम परिवार का कैसे ध्यान रखें, सब कुछ हो जाएगा बॉस, आप अपना ध्यान रखोगे, एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड एंड एवरीथिंग विल बी प्लेस्ड। मतलब ये एक ऐसा पजल एंड लॉक एंड की मैकेनिज्म है ना, कि अगर चाबी सही होगी तो ताला भी खुल जाएगा। आप ही अपने किस्मत की चाबी हैं और आप ही अपने किस्मत का ताला है। अगर आप खुद खुश रहेंगे तो अपने आप सब कुछ खुश हो जाएगा, अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू बी सेल्फिश। मैं बोलता हूँ कि आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जब तक अपना ध्यान नहीं रखोगे, जब तक आप खुश नहीं रहोगे, तब तक आपके लाइफ में कोई भी खुश नहीं रहेगा। यू आर द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड, यू आर द सेंटर ऑफ योर फैमिलीज वर्ल्ड, यू आर द सेंटर ऑफ योर पीयर्स एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड। आप अपना ध्यान रखिए, एवरीथिंग विल सेट गेट इन प्लेस। बस तो आज के लिए दोस्तों मैं यही, इसीलिए ये वीडियो मैं यहीं अब ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे साथ बिकमिंग अल्फा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियोस, कुछ लाइफ की, कुछ बाहर की, कुछ मार्केट की, सब चीज़ों में आपको शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अंकुश शाह साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। दुआ में याद रखना, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मिलते हैं जल्दी गाइस, टेक केयर।